अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही विंग्स और इनको लगाने पहले मैं मसाला, फिर इनको मैं फ्राई करती हूँ। 3 घंटे के लिए मैं रख दूँगी मसाला लगा के। सबसे पहले डाल रही हूँ इसमें मैं तकरीबन ये 1.5 किलो है, तो एक खाने वाला चम्मच जो है ना बड़ा, वो नमक आप लगा लें, थोड़ा सा और लगा लें। स्पाइसी ज़रा बना रही हूँ मैं, और एक खाने वाला चम्मच सुरख मिर्च का, पिसा हुआ सूखा धनिया ये भी 1 खाने का चम्मच, अजवाइन जाएगी इसमें 1/2 चम्मच, इससे भी जायका काफी अच्छा आ जाता है। गरम मसाला जाएगा 1/2 चम्मच, काली मिर्च जाएगी थोड़ी सी, हल्दी पाउडर भी डालूंगी 1/2 चम्मच, और इसमें डालूंगी मैं ये दारा मिर्च भी 1 चम्मच, और थोड़ा सा डालूंगी इसमें फूड कलर भी, इससे कलर अच्छा आ जाता है। दो से तीन चम्मच डाल दूंगी इसमें बेसन, डाल दूंगी इसमें मैं 2 से 3 चम्मच। चलो अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो ये तो होगा हाथ से मिक्स, कि चम्मच से तो होने वाला नहीं है ये, तो अब इनको इस तरीके से हाथ से करना पड़ेगा मुझे, इस तरीके से। और 2 से 2.5 घंटे के लिए इसको रख दें, फिर इसको फ्राई करूँगी मैं सरसों के तेल में। सरसों के तेल में तो फ्राई करेंगे तो बहुत मज़ा आता है, जायका इसका चेंज हो जाता है, बहुत मज़े के बनते हैं। चलिए जी देखें, देखो मसाला लग चुका है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी या बाहर रख दूँगी 2 से 2.5 घंटे। जी 3 घंटे के बाद जो है ना, अब इनको मैं फ्राई करने लगी। इधर मैंने सरसों का तेल डाला है जो गर्म हो चुका है, तो अब इनको मैं कर लूँगी फ्राई। अभी किस तरीके से एक पीस रखूँगी इस तरह मैं, तो वो तकरीबन 8 से 9 मिनट में जो है ना ये तैयार हो जाएंगे। इस तरह करके थोड़े थोड़े फासले से डालूँगी मैं, एकदम से ज़्यादा नहीं डालने आपने। और कलर भी इनका बहुत ही अच्छा आया है। और इसी तरीके से मैं और डाल रही हूँ, वो भी इसी तरह थोड़े थोड़े फासले पे मैं रख के डालूँगी कि वो चिपके ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मसाला नहीं उतरा उनका भी, तो इसी वजह से थोड़े फासले पे रख रही हूँ कि मसाला उतरे ना।
चले जी ये तैयार हो चुके हैं, इनको भी मैंने 10 मिनट के बाद निकाल लिया है। विंग्स फ्राई की रेसिपी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।